सो हमारी अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वो है, ठीक है, फॉर अ पेयर ऑफ चार्जेस. अभी तक हम सिंगल सिंगल की बात कर रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव के लिए ये लाइन्स हमारी अवे फ्रॉम द चार्ज होती है और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज ये लाइन हमारी आती है, ठीक है. बट अब हम क्या करेंगे, पेयर्स की बात करेंगे. अगर हमारे चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ये लाइन्स कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, नोड होता है, ठीक है, नल पॉइंट होता है. यहाँ पे कोई भी वो चार्ज का एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे ये लाइन्स कट करती हैं. तो ये लाइन्स हमारे क्या करती हैं, दूर जाती हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हुए, ठीक है, ये लाइन्स इस तरीके से मूव करती हैं. सॉरी ये बाहर जाएंगी, ठीक है, सारी की सारी लाइन्स हमारी बाहर जाएंगी. तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारी फॉर अ पेयर ऑफ सेम चार्जेस, ठीक है. यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. ये लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं. दीज लाइन्स टेंड टू रिपेल ईच अदर, ठीक है. और इसी तरीके से हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, वो है हमारी कि जब हमारे अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिर से वही चीज़ होगी, ठीक है. तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर है हमारी, तो हमारा क्या होता है, ये जो लाइन्स होती हैं ये एक दूसरे की तरफ क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं. और ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ऑलराइट. ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि फॉर अ पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, फॉर अ पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस दीज लाइन्स, ठीक है, दीज लाइन्स moves from positive to negative charge, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये लाइन्स हमारी मूव करती हैं, ठीक है. तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके बाद हमारी, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ी इन सेंस की हाँ एग्जाम में आ सकती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है. जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इसमें कोई पॉइंट मान लिया हमने P, ठीक है. उसी तरीके से ये हमारी क्या है, कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उसकी डायरेक्शन में हम एक टेंजेंट डाल देंगे. तो ये जो हमारा टेंजेंट होगा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी. तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट on an electric field, क्या कहेंगे, gives the on the electric field line, ठीक है, gives the क्या करता है हमारा direction, gives the direction of electric field at that point, all right. ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी. नाउ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. बहुत इन साइंस की जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था 12th का, तो मेरे एग्ज़ाम में भी ये प्रॉपर्टी आई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी थी. ऑलराइट, तो आप भी इसे अच्छे से पढ़िएगा. तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, आई थिंक आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, वो है हमारी कि जो हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. देखिए मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट पेन से शो करा है ताकि आपको पता चले कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर हम ये हमारी क्या है
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई हमारी ये वाली, और एक हो गई हमारी ये वाली E1 E2, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। मान लीजिए कि हम पहले ये प्रूफ कर लेंगे कि ये लाइंस हमारी, हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो लाइंस है हमारी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर, ठीक है। ये जो है हमारी सॉरी लाइन वन है और ये हमारी लाइन टू है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि पॉइंट पी पे हमारी क्या होती है, डायरेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे हमारी E1 डायरेक्शन मिल गई और इस पॉइंट पे हमारी E2 डायरेक्शन मिल गई। तो देखिए अब किसी एक पॉइंट पर किसी भी चीज़ की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी हमारा अगर इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ है एक ही पॉइंट पे, वो दो दो डायरेक्शन नहीं दे सकता है किसी भी चीज़ की। तो सिंपली यही रीज़न होता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देखिए इसका रीज़न हम लिख सकते हैं, रीज़न हम लिख सकते हैं कि इफ़ टू और मोर, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इफ़ टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर आकर अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, देन दे गिव, क्या देंगी हमारी टू और मोर डायरेक्शन, दो या दो से ज़्यादा डायरेक्शन वो हमें दे सकती हैं, ठीक है। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, विच इज़ नेवर पॉसिबल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो कि हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नेवर पॉसिबल, विच इज़ नेवर पॉसिबल, हेंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसीलिए कभी भी हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7th, वो हमारी ये कहती है कि इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो किया है तो इसका मतलब वो हमारा क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड क्या है हमारी, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसमें एक हमारा सिंपल से नोट भी है कि अगर हमारी ये लाइन ज़्यादा थोड़ी कंजस्ट्रेट होंगी, ठीक है, ये लाइन्स अगर हमारी कंजस्ट्रेट होंगी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा लाइन्स होंगी, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और अच्छी होगी। अगर लाइन का सेपरेशन थोड़ा और ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी हमारी थोड़ी कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, लेस सेपरेशन मोर स्ट्रेंथ एंड मोर सेपरेशन लेस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल से, तो कनेक्टेड रहिएगा मेरी वीडियोस से ताकि आपको अच्छे से कोई भी चीज़ समझ में आ सके। एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।